कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, उनका भाग कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। और बहुजन समाज के लोगों को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं जागे ना तो ना उनको अनुराग ओझा जगा सकता है, ना आप जगा सकते हैं। उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा उधाड़ेगा। 22 जनवरी के बाद में बच रहा था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, और किसान आ रहे हैं तो किले बिछाई जा रही हैं। आप बताइए ये बेईमानी है कि नहीं है। 60,244 वैकेंसी निकली थी और उसका पेपर कैसे लीक हो जाता है? हर परीक्षा को उलझा देंगे एक केस में, बस आप फॉर्म भरते रहिए हमारे उत्तर प्रदेश में। जाके पाँव न फटे विवाही तेका जाने पीर पर आई। अगर मोदी जी या योगी जी कभी परीक्षा फॉर्म भरे होते तो उनको पता चलता कि युवा जब पढ़ता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है जब परीक्षा लीक हो जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद ओझा जी आए, हम इनसे जानते हैं पीडीओ को, पीडीए के पक्ष पर चलने के लिए क्या करने वाले हैं। अखिलेश यादव जी का पीडीए के रूप में आप क्या करने वाले हैं? देखिए, पीडीए 24 में लागू हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही को आप देखिए कि इस देश में पिछड़ा आदिवासी इनको कहाँ भेजा जा रहा है। इनकी जो भागीदारी है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, उनका भाग कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। और बहुजन समाज के लोगों को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं जागे ना तो ना उनको अनुराग ओझा जगा सकता है, ना आप जगा सकते हैं। उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा उधाड़ेगा, तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा कह रहे हैं, झंडा पकड़ा रहे हैं, संघ का झंडा पकड़ा रहे हैं। अब बताइए, जिस देश का युवा संघ का झंडा पकड़ेगा, उस देश का युवा ना अपने नौकरी पर बात कर सकता है, ना अपने आरक्षण पर बात कर सकता है, ना अपने हकों अधिकार पर बात कर सकता है। हाँ, युवा झंडा पकड़ रहा है, 80% युवा तो पढ़ तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि झंडा नहीं पकड़ रहे हैं। बताइए, जो युवा रोजगार के लिए बोल देता है लखनऊ में, उसे कैसे दौड़ाया जाता है? पेपर तो करवाते हैं, 60,244 वैकेंसी निकली थी और उसका पेपर कैसे लीक हो जाता है? हर परीक्षा को उलझा देंगे एक केस में, बस आप फॉर्म भरते रहिए हमारे उत्तर प्रदेश में। इनको पैसा तो चाहिए, 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए इनके खाते में आ गया, चुनाव इनका मज़ेदार होगा। लेकिन आप बताइए कि जो पैसा इनका वापसी नहीं करेंगे, परीक्षा करवाएंगे बहुत बाद में, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कब नहीं बख्शा जाएगा भगवान जाने। परीक्षा तो कह तो रहे हैं कि वो हो गया, निरस्त हो गया, फिर से जो नकेल कसने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी मतलब सजा देंगे कि उनके पुश्ते भी याद रखें। अरे भैया, कहनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। जाके पाँव न फटे विवाही तेका जाने पीर पर आई। अगर मोदी जी या योगी जी कभी परीक्षा फॉर्म भरे होते तो उनको पता चलता कि युवा जब पढ़ता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है जब परीक्षा लीक हो जाता है। घर वाले इतना सक्षम नहीं है कि उसको भेज पाएंगे कि दोबारा जाइए भैया बनारस में पेपर दे के आइए, लखनऊ में जाइए या औरंगाबाद, फिरोजाबाद, जहाँ मर्जी जाइए। भाई, किराया लगता है, फॉर्म भरने का पैसा लगता है। और अब बताइए कि जब लड़का जाएगा तो कुछ खाएगा भी? अगर एक दिन पहले जाता है तो रूम भी लेगा, कितना पैसा एक व्यक्ति का खर्च होता है, आप सोचिएगा जरूर। एक बार मोदी जी तो फिर कह रहे हैं 400 पार के नारा लगा। भाई, कहने से क्या फ़ायदा है, कहने से क्या होता है, वो जनता तय करेगी कि 400 पार जाएंगे या 4-6 सीटों पर। राज्यसभा की सीटों का 8 तो जी देखिए, राज्यसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो उनका मत रहा होगा। देखिए, लोगों की भावना जो है ना विकसित हो गई है, लोगों को डर सता रहा है। जैसे आप लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है, आप लोग जैसे मोदी नामा पढ़ने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार विपक्ष में भी हैं, पार्टियों में भी लोग हैं जो मोदी नामा पढ़ने का काम करते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि हाँ मतलब हट जाए, वो जानते हैं कि ईडी और सीबीआई के डर के मारे, जैसे आप लोग करते हैं, महंगाई पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं, बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं, शिक्षा पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं, किसानों को MSP नहीं मिल रहा है उस पर आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सरकार MSP देने के लिए 4 फसलों तो बोली है, तो किसान तब देगी भाई, कहे तो रही है 4 फसलों देने के लिए किसान। एक चीज़ आप बताइए कि भाई, 23 साल के युवा को गोली लग गई, उसकी मौत हो गई, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी लेंगे? जो किसानों के आगे एक गाना आपने सुना होगा, अभी जब 22 जनवरी के बाद में बज रहा था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, और किसान आ रहे हैं तो किले बिछाई जा रही हैं। आप बताइए ये बेईमानी है कि नहीं है। किसान इस देश का अन्नदाता है। जो मोदी जी 5 किलो राशन बांट रहे हैं, गुजरात में खेती नहीं कर रहे हैं, किसान ही उसे दे रहा है। आप बताइए कि इनको पंजाब से आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, लेकिन पंजाब से दिल्ली में किसान नहीं आना चाहिए? ये बेईमानी है, और इस बेईमानी से लड़ने के लिए अनुराग ओझा बोलता रहेगा।